आप ये व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें आगे चल के ऐसा कुछ देखने मिलने वाला है। हमने तो वहां जाके डिसाइड भी कर लिया कि हमें फिर से एक बार यहाँ पे आना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोशन एंड अंकिता ट्रेवलिंग चैनल। तो इस बार हम लोग आए हैं कोकन, और कोकन सीरीज का ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अभी हम देख लेते हैं छोटा सा रिकैप जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा है। तो हम लोग निकले थे पुणे से अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया। श्रीवर्धन पहुँचने के लिए हमें करीब करीब 5 घंटे लगे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक जगह पे होममेड खाना खाया जो कि काफी टेस्टी था, और कोकन की स्पेशलिटी फिश खाई। और उसके बाद हम लोग हमारे होम स्टे में आ गए। वहाँ पे फ्रेश होने के बाद शाम में हम लोग गए सनसेट एंजॉय करने बीच पे, और उसके बाद भी हमने कुछ फन एक्टिविटीज की। उसे देखने के लिए आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, 9:30 बज गए हैं करीब करीब, और हम रेडी भी हो चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर में हम देखने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल, और रास्ता बहुत ही सुंदर होने वाला है। इसके अलावा, मंदिर के अलावा भी हम अगर कुछ देखते हैं तो आपको वो ज़रूर दिखाएंगे, और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो में से मिलने वाली है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, नाश्ता करने की बस देरी है। तो यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं, जिस होम स्टे में हम रुके हैं, उनके घर में नाश्ता अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमने बताया एक बढ़िया सा घावन और चटनी और पोहा। तो देखते हैं कैसा रहेगा नाश्ता, इसके बाद नाश्ता करके हम निकलेंगे। तो यहाँ से हरिहरेश्वर करीब करीब 1 घंटे की दूरी पर है, 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। और रास्ता माहौल है ऐसा हमने सुना है, लेट्स सी कैसे है। जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है, एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लगता है जल्दी ही वापस आ जाएंगे जो भी है हरिहरेश्वर में देख के। तो यहाँ पे भी श्रीवर्धन में अगर हम कुछ टेम्पल्स विजिट करते हैं या कुछ अच्छी प्लेसेस यहाँ पे विजिट कर पाते हैं तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आने से पहले आपको कैश थोड़ी कैरी करनी है। थोड़ा रूरल एरिया में आता है तो हर जगह पे आपको ATM मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर हर जगह पे गूगल पे काम करेगा, नेटवर्क रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बेटा है आपके साथ अब कुछ कैश ज़रूर कैरी करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फिर, नाश्ता हमारी राह देख रहा है, नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद सीधा निकलते हैं हरिहरेश्वर के लिए। तो गाइस, हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नारियल का बुरादा डाला हुआ है, तो ये फ्रेश नारियल का बुरादा है, ये कोकन की स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ में ये नारियल मिलेगा और ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये है घावन, इसे मराठी में घावन कहते हैं। उसके साथ है चटनी और ये बहुत टेस्टी लगता है, ये भी यहाँ की शायद स्पेशलिटी है। तो खा के देखते हैं कैसा है। से हाय, चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, काफी टेस्टी था यहाँ का नाश्ता। और उसके बाद हम निकल चुके हैं हरिहरेश्वर के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये गांव वाला छोटा छोटा रास्ता आपको कोकन में देखने मिलेगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हम जाने वाले हैं समुन्द्र किनारे से, तो आप शायद वीडियो में ना देख पाओ कि रास्ता कितना सुंदर है, बट ये बहुत ही अच्छी जर्नी थी, हमने बहुत एंजॉय किया। तो गाइज, अभी हम एक जगह पे रुके, ऐसी ही अननोन प्लेस है, कोई जगह नहीं है स्पेशली। रास्ते में हमें दिखा अच्छा है तो हम लोग रुक गए यहाँ पे, बहुत अच्छा है एकदम। थोड़ा टाइम हम रुक के आराम कर सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी लोग नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ से ना जंगल जेटी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब
अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो लाइक आपको हरिहरेश्वर से दिवेगढ़ जाना है या फिर श्रीवर्धन जाना है, मतलब दो कोई भी जगह पे जाना है, तो आपको इतना ट्रैवल करने की जगह पे आप समंदर में से जा सकते हो जंगल जेटी में, जिसमें आप कार भी लेके जा सकते हो, कुछ मिनिमम टिकट होता है जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और सेफली आप वहाँ पे पहुँच पाओगे जल्दी से। तो अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा पिछला कोकण का सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने दो तीन बार जंगल जेटी यूज़ की है, उसमें से हम गए हैं और वो एक अलग एक्सपीरियंस एंजॉयिंग था मेरे लिए। तो आप वो सीरीज़ चेक करें, उसमें आपको सारा प्लान मिल जाएगा, आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हो और कहाँ कहाँ जंगल जेटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस बार हमारी ट्रिप में बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं थे विज़िट करने के लिए, क्योंकि हम श्रीवर्धन में रुके और हरिहरेश्वर आज हम घूमने आए हैं, तो इस बार हम जंगल जेटी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। बट अगर आप करना चाहते हो, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो जो कि आपको कोकण में मिल सकता है, तो वो ज़रूर ले और हमारी पिछली कोकण की सीरीज़ ज़रूर चेक करें, शायद आपको वो पसंद आ सकती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अगर इस तरीके से चिल आउट ट्रिप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर जंगल जेटी वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और ये गेट को देखते ही हमें समझ जाना है कि हम हरिहरेश्वर पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर की पार्किंग। सबसे पहले हमें गाड़ी पार्क कर लेना है और उसके बाद जाना है मंदिर। तो यहाँ पे पार्किंग के अलग अलग चार्जेस लिखे हुए हैं, जैसे कि हमें फोर व्हीलर के पे करने हैं 50 रुपीज़, तो आपके व्हीकल के हिसाब से यहाँ पे आप पे करें और उसके बाद चलते हैं मंदिर में। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आप आराम से यहाँ पे आपकी व्हीकल लेके आ सकते हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं हरिहरेश्वर मंदिर में, मेरे पीछे आप देख सकते हो बीच भी है, तो पहले हम दर्शन लेंगे उसके बाद हम बीच पे जाएंगे थोड़ा देर। यहाँ का बीच थोड़ा रिस्की है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, और यहाँ पे पार्क करके हमें मंदिर में जाना है, तो गाड़ी हमने पार्क कर लिया ऑलरेडी, तो चलिए फिर जाके मंदिर में दर्शन। ये है हरिहरेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार और ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये हरिहरेश्वर मंदिर रायगढ़ जिले में आता है और मंदिर में विराजमान है पेशवाओं के कुलदेवत। ये मंदिर काफी पुराना है, पेशवाओं के टाइम से ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। मुख्य द्वार से हमें मंदिर तक चलते हुए 5 मिनट तक जाना है। रास्ते में आपको यहाँ पे यहाँ की फेमस चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये है कोकम शरबत और उसके बहुत सारे फ्लेवर्स। उसी की तरह यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें परचेस कर सकते हो। भगवान के मंदिर में लेके जाने के लिए यहाँ पे आप फूल और प्रसाद भी लेके जा सकते हो। रास्ते में हमें विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर भी लगेगा, यहाँ पे दर्शन करते हुए हमें आगे जाना है। ये है मंदिर का एरिया जो कि काफी बड़ा है। मंदिर में दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन रहती है, बट लकीली आज लाइन कम है, तो चलिए फिर जाके दर्शन लेते हैं। मंदिर काफी प्रसन्न है, अंदर से तो हम वीडियो नहीं ले पाएंगे, उसके लिए तो आपको हरिहरेश्वर ही जाना पड़ेगा, बट मंदिर बहुत अच्छा है। दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे बीच पे। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। अभी यहाँ पे बीच पे जाने के लिए सीधा सीधा रास्ता नहीं है, इस तरीके से चढ़ के जाना है फिर उतर के जाना है, और ट्रस्ट मी आप सरप्राइज हो जाओगे बीच देख के, मैं तो हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिया है, उसके बाद ये हमें चढ़ के जाना है थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद है यहाँ पे समंदर, तो बीच पे अभी हम जाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा है। जैसे कि मैंने आपको नीचे भी दिखाया था, ये बीच थोड़ा रिस्की है, तो आप देखिए अगर आपको आना है नहीं आना है। हम जा रहे हैं, थोड़ा सा देख के ही वापस आने वाले हैं। अगर आप आते भी हो तो थोड़ा सेफ ही रहे, यहाँ पे बेटर है। हम लोग जिस दिन गए थे तब बहुत धूप था, तो रास्ते में आपको ये छोटा सा एक दुकान मिलेगा जहाँ पे आपको पानी की बॉटल, शरबत, ये वो सब मिल जाएगा, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, क्योंकि चढ़ के जाने में बहुत थक जाते हैं। करीब करीब 15-20 मिनट लगते हैं चढ़ के जाने के लिए। और अब है उतरने की बारी। वाव, आप ये व्यू देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमें आगे चल के ऐसा कुछ देखने मिलने वाला है। ये बहुत सुंदर था, हमने तो वहाँ जाके डिसाइड भी कर लिया कि हमें फिर से एक बार यहाँ पे आना है ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। है ना परफेक्ट जगह, आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं आगे।
ये है हरी हरेश्वर बीच, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला इट्स ऑसम। थोड़ा रिस्की ज़रूर है, अगर बच्चे हैं साथ में तो आप ना ही आए, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, संभल के आना चाहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना रुके, बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर है ये। आपको शायद ही कोई और बीच पे देखने मिलेगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। और रास्ता तो आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा डेंजर था, पैर फिसला तो आप गिर भी सकते हो, संभल के आना है, बट एक बार विजिट ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ देर हम ये सुंदर व्यू देखने के लिए रुक गए। कुछ देर यहाँ पे ये व्यू देखने के बाद हम लोग निकले वापस की जर्नी के लिए। और अभी हमें इतना चढ़ते हुए ऊपर जाना है, ये दिखने में भी रिस्की लग रहा है और चढ़ने में भी थोड़ा रिस्की ही था। हरिहरेश्वर बीच बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग यहीं पे लंच करने वाले हैं। तो एक छोटा सा होटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लंच करने वाले हैं। इसके बाद फिर से हम जाने वाले हैं श्रीवर्धन, तो हम 4-5 बजे तक के श्रीवर्धन पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं शाम में हम बीच पे जा सकते हैं सनसेट एंजॉय करने। तो लेट्स सी कैसा होता है आगे का, मैं दिखाती हूँ। हरिहरेश्वर से हम करीब करीब 5 बजे आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर से रेडियो के हम लोग जा रहे हैं बीच पे, यहीं पे श्रीवर्धन में। तो हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हम होम स्टे हमारा बिल्कुल ही पास है बीच के, तो हम एवरी इवनिंग सनसेट देखने जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सनसेट। और ये हम पहुँच गए हैं बीच पे, बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा है, लेट्स एंजॉय दिस सनसेट। अब बीच पे जाने के बाद आपको ये बहुत ही सुंदर सा सनसेट देखने मिलेगा। इसके अलावा आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, बच्चे हो तो गेम खेल सकते हो। तो इस तरीके से हमने काफ़ी एंजॉय किया बीच पे, कुछ गेम्स खेले, उसके बाद कुछ फन एक्टिविटीज़, और वो हो गया। अब शाम हो गई है, बीच पे तो अभी कोई नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद बाहर बहुत सारी शॉप्स लगती हैं, तो आप वहाँ पे ये स्वीट कॉर्न्स खा सकते हो। इसके अलावा छोटी मोटी और दुकानें होती हैं चैट वगैरह की, वो भी आप खा सकते हो। और उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे होम स्टे पे। उकड़ी के मोदक यहाँ के बहुत ही फेमस है, तो आपको यहाँ पे एक दिन पहले या फिर सेम डे पे ऑर्डर देना पड़ेगा, तो वो लोग होममेड ये आपको बना के मिल जाएंगे कहीं पे भी, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप जब भी कोकन में आते हो ये ज़रूर ट्राई करें। हमने ऑलरेडी बहुत खा लिया, तो हमने सोचा आज डिनर में क्यों ना पोहा ही हो जाए, और उसके साथ ये उकड़ी के मोदक। तो आज का हमारा डिनर यही रहने वाला है, और हम इस तरीके से बाहर बैठ के डिनर एंजॉय करने वाले हैं। और आज का इस तरीके से पूरा दिन भी ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये व्लॉग कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग हो तो आप हमें वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। काम करो सेम सेम तूच वाटून टाक, सेम सेम मला आता फक्त बघताना पण कळून जाईल ना सेम आहेत की नाही। मोदक आहे की हे थोडेसे सेम सेम आहे। डिनर हो चुका है हमारा, बहुत ही बढ़िया, हमने यहाँ पे बैठ के बाहर बैठ के बहुत ही अच्छे से डिनर एंजॉय किया है। तो अभी हम खेलने वाले हैं गेम, ये फिर से जो हमारा कल का रूटीन था वो हम फिर से फॉलो करने वाले हैं, और अनलिमिटेड टाइम है इसके लिए, पता नहीं कितने टाइम तक हम खेलेंगे।